हाय गाइज, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। आई एम सो हैप्पी दैट इतने दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आज कुछ दूसरा सेटअप है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैं अपने दूसरे वाले घर में हूँ। एंड ड्यू टू माई फिजिकल टर्बुलेंस, यू नो, मैं वीडियोज कुछ थोड़ा सा यू नो मिस हो गया है, और सॉरी फॉर दैट। एंड साथ ही साथ आज जो है मैंने ये कियारा अडवाणी इंस्पायर्ड लुक जो है क्रिएट किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्रिएट किया, तो मुझे लगा यार इतना ईजी सा लुक है, इतना प्यारा सा लुक है, तो क्यों ना क्रिएट किया जाए। इतना कम प्रोडक्ट लगता है इस लुक को क्रिएट करने में, और यू नो येट इतना खूबसूरत इसका आउटपुट निकल के आता है, सब पे अच्छा लगेगा। मेरे पास जो भी मैचिंग चीजें थी उसके साथ मैंने इसे क्रिएट करने की कोशिश की है, एंड दिस इज हाउ इट हैज टर्नड आउट। तो अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में कि किस तरह से मैंने ये जो है लुक क्रिएट किया है, और इस वीडियो में मैंने बहुत ही एलैबोरेटली स्किन केयर के ऊपर भी बात किया है, एंड थोड़े बहुत अच्छे से आपको टिप्स देने की कोशिश की कि कम प्रोडक्ट को या अलग अलग प्रोडक्ट को आप किस तरह से मल्टी यूज कर सकते हो, तो अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है जानने में कि मैंने ये लुक किस तरह से क्रिएट किया, तो प्लीज बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा देखना, और जो भी आपका फीडबैक हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो ये जो लुक है वो उसकी जो फिनिशिंग है ना, वो बहुत स्किन टाइप फिनिशिंग है। ऐसा लग रहा है कि स्किन पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा स्किन फिनिश वाला लुक है। तो उसके लिए हम बहुत अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप करेंगे ताकि हमें बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने अपने फेस को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, उसके बाद ये मेरा बिल्कुल बेयर फेस है। उसके बाद सबसे पहले ये मॉम्स नेचुरल विटामिन फेस सीरम, विटामिन सी 10% और फेरुलिक एसिड 0.5%, जिसका मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू किया था, उसका जो सीरम है इस तरह का, वो मैं अपने फेस पे बहुत बहुत अच्छे से उसको लगा लूंगी। तो जेनरस अमाउंट मैंने लिया है और बहुत ही अच्छे से इसको मैंने अपने फेस पे और नेक पे मैंने लगा लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा और स्टेप करेंगे अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे पर्पल का, मेरे पास एक टर्मरिक एसेंशियल ऑयल है। आप कोई भी फेस ऑयल यूज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा एक फेशियल ऑयल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने बहुत सारा यूज कर लिया है इसलिए ज्यादा है नहीं, बहुत ही हल्का सा मैं ये फेस ऑयल अपने फेस पे। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी जॉय स्किन फ्रूट्स फ्रूट मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम विद जोजोबा एंड आमंड ऑयल्स 50 ml का है। गाइज ये मॉइस्चराइजर मुझे इसलिए सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है, बिकॉज ये मॉइस्चराइजर एक तो बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है, और साथ ही साथ इसकी खुशबू जो है ना, दैट इज हेवनली। आपको मेरी स्किन में पता नहीं क्या लग रहा होगा, बताना मुझे, क्योंकि प्रेगनेंसी के चलते बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन तो आ ही जाता है। तो मैंने बहुत जेनरस अमाउंट मॉइस्चराइजर लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो मेरी स्किन है वो है ड्राई। अब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना जैसे ही, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपने स्किन को सेट होने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं यूज करूंगी ये इनसाइड का प्राइमर, ये 3-in-1 प्राइम्स प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज करने वाला प्राइमर है। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ये एक प्राइमर है। आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे। ये ऑयल फ्री है, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है, तो इसे यूज करने से पहले आप अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी जो स्किन है, अच्छा मैं इस प्राइमर को वहां वहां पे लगा रही हूँ जब पे मुझे ज्यादा क्रीजेस पड़ते हैं, ठीक है, वहीं पे लगाऊंगी। मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, तो मैं पूरे फेस पे इसे लगाऊंगी नहीं। ये काफी मैटिफाइंग एक प्राइमर है, तो आप अपने हिसाब से इसे लगाइएगा और इसे सेट होने का थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। उसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो मैं आपको ये प्राइमर पर्टिकुलरली नहीं रेकमेंड करूंगी। आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप की है, लाइक ड्राई टू मीडियम टाइप ऑफ या मीडियम टू ड्राई टाइप ऑफ है, तो आप इसे जरूर यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा ये प्राइमर। गाइज मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी मैट पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली फिट मी फाउंडेशन, एंड ये फाउंडेशन क्योंकि नॉर्मल टू ऑयली है, तो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से ये मॉइस्चराइज करता है, प्रोटेक्ट करता है, मुझे बिल्कुल भी ड्राइश फीलिंग नहीं होती है। बहुत टाइम से ये मैं यूज कर रही हूँ, और मेरा जो शेड नंबर है वो है 230 नेचुरल बफ। बहुत ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो नेक है और स्किन का जो कलर है उसे जरूर मैच करें। डैब 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 करके आप जो है यहाँ पे इसको
लगा लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने अपने फाउंडेशन को जो है इस पंच के सहारे सेट कर लिया है। आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर जो भी आपको हैंडी आपके पास हो या ब्रश हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल है उससे यूज कर सकते हो। अब फटाफट मैं बहुत हल्का सा कंसील करूंगी गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कंसीलर की मेरे स्किन पे, मैं करती नहीं हूँ हैवी कंसीलिंग, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा लाइट कंसीलिंग का यूज करी हूँ। मेबलिन का जो कंसीलर है मेरे पास, इसका शेड नंबर जो है, इसका शेड नंबर है 10 लाइट, ठीक है, वो यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने नोज पर यूज करूंगी, ठीक है, मुझे बहुत ही ज्यादा ब्राइट कुछ चाहिए नहीं है, मैं अपने आंखों के नीचे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसील करूंगी और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे, ये भी एक्चुअली खत्म होने को आया है, आई हैव टू रीस्टॉक माय कंसीलर, तो यहाँ पे एंड या ये करूंगी और फटाफट से पहले से सेट करूंगी। ओके गाइस, तो मैं अपने पूरे फेस को सेट करूंगी, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो हमें करना है वो ये है कि मैं यहाँ पे भी मेबलिन फिट मी के, ये जो बहुत ही ज्यादा एक अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट है, उसके सहारे मैं अपने आईज को, यहाँ पे मैंने क्लीन ब्रश लिया है, सबसे पहले मैं अपने आईज के नीचे सेट करूंगी, क्योंकि वहां पे जो है सबसे ज्यादा सबसे पहले क्रीज पड़ता है। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि कंसीलर थोड़ा सा सेट हो जाए, पर आज क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ऑयली और क्रीम तरह के प्रोडक्ट्स अपने स्किन के नीचे, स्किन को प्रेप करने के लिए लगाया है, इसकी वजह से मैंने पहले इसको थोड़ा सा सेट कर लिया। पूरा फेस हम सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज थोड़ा सा क्या करूंगी, ब्लश क्रीम टाइप का एक लिपस्टिक के साथ मैं अपना ब्लश जो है उसे क्रिएट करूंगी, ताकि बहुत ही एक नेचुरल सी ब्लश, मुझे ब्लश का मुझे इफेक्ट मिले। उसके बाद हम बहुत ही हल्का सा पाउडर ब्लश भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्रीम ब्लश अप्लाई करूंगी, और उसके लिए मैं यूज करी हूँ लैक्मे एनरिच लिप क्रेयॉन। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर है, देख सकते हो आप, पिंकिश टाइप का, जिस तरह का ब्लश, जिस तरह का इफेक्ट था एक्चुअली कियारा के फेस पे, तो उसके लिए मैं ये लिप क्रेयॉन यूज करूंगी, बहुत लाइट सा। व्हाट आई एम गोना डू इज मैं इसके साथ थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिक्स करूंगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्लाइड हुआ है, बहुत ही ज्यादा इसका क्रीमी टेक्सचर है। तो अगर कभी भी आप अपना कोई भी ऐसा लिपस्टिक है जिसे यूज करना चाहते हो एज अ ब्लश, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्लश पे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा ब्लश और यूज भी एज सच नहीं होता है। देखो ये मैंने थोड़ा सा ही लिया है, वही वाला मॉइस्चराइजर जो मैंने यूज किया था, एंड बहुत ही लाइटली, ठीक है, बहुत ज्यादा हल्के हाथों से मैं यहाँ पे इसे लगा रही हूं। आप बिल्डअप कर सकते हो अपने हिसाब से, दैट इज टोटली अप टू यू। इस लुक में क्या है ना, कॉन्टोरिंग है ही नहीं, ठीक है, तो इस वजह से बहुत ही आपका काम जो है वो आसान हो जाता है, बहुत ही इजी अचीवेबल लुक है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद वही सेम वाला कॉम्पैक्ट लूंगी और उसके साथ जो है मैं पूरे फेस को जो है थोड़ा सा सेट कर लूंगी। ओके, अब फेस का काम हो गया, रह गया है कॉन्टोरिंग, ठीक है, और आईब्रो। तो चलिए हम सबसे पहले आईब्रो से स्टार्ट करते हैं। आईब्रो के लिए मैं यहाँ पे NYB का एक बहुत ही अफोर्डेबल पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल, और ये जो शेड है वो ब्राउन है, उसे एक एंगुलर ब्रश के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्योंकि किस तरह से ब्रश जो है आप एंगुलर ब्रश के साथ आप जो है काम कर सकते हो अपने आईब्रो के साथ, ठीक है। तो इस तरह पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया है। ये NYB का जो पेंसिल है ना वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन ये टूट रहा है, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वन। मुझे इनिशियली बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा, बहुत ही हल्का सा एक प्रोडक्ट थोड़ा सा और अपने एंगुलर ब्रश पे ले रही हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू फिल द बिगिनिंग वाला एरिया जो है, और उसके लिए आपको इस तरह से पेंसिल पकड़ना है, थोड़ा सा दूर से पकड़ो और इस तरह से ना लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगाओ। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा और अपने आईब्रो को सेट करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पे हिलारी होडा का आईब्रो पैलेट है, बहुत अमेजिंग पैलेट है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। सबसे जो लाइट शेड है ना वो ले सकते हो, या ये ब्राउन वाला भी ले सकते हो, मैं सबसे जो लाइट शेड है उसके साथ थोड़ा सा ना इसको सेट करूंगी, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट है तो सेट कर लोगे तो अच्छा है, तो आईब्रो में वैसे भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो ये हमने कर लिया है अपना आईब्रो, अब आंखों की तरफ जाएंगे। आंखों का ऐसा है कि ये जो लुक है उसमें बिल्कुल ही इंटेंसिफाई कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा कलर्स नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लुक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने आंखों को थोड़ा सा प्रेप कर लूंगी, ज्यादा कलर्स कुछ यूज ही नहीं करना है हमें। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट निका के मोका मिक्स का जो पैलेट है मेरे पास वो लिया है, और बहुत ही फ्लफी टाइप का ब्रश लिया, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपके पास जो भी पैलेट है ना, इस
तरीके जो भी न्यूट्रल कलर्स है ना आपके पास, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ब्राउन हो, मॉव, यू नो इस तरह का कोई बेज कलर हो, इस तरह का कोई न्यूडिश टाइप का कलर हो, उससे कर लो आप। जैसे कि मैं, मुझे बहुत ही लाइट चाहिए तो मैं ये वाला कलर लूंगी, ये वाला, और इसके साथ हल्का से इसे मिक्स करूंगी एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ डेप्थ, बेसिक डेप्थ। ओके, ये हो गया हमारा। अब जो है असली काम है वो है काजल वाला, ठीक है। काजल के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का, मेरे पास काजल है, बहुत अमेजिंग काजल है गाइज, बहुत ही अच्छा। ये डार्क एक जेट ब्लैक इसका फिनिशिंग है। सेकेंडली ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ, इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग काजल। ओके, ये मैंने लगा लिया है काजल। उसके बाद मैं यहाँ से सबसे ज्यादा जो थोड़ा सा ब्राउनिश टोन वाला मुझे मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे, एक स्मजिंग ब्रश है उसके सारे पिक करूंगी, ये वाला जो कलर है, और मैं बहुत ही अच्छे से जो है इसको थोड़ा सा, ये करने से स्टेप जो है आपका काजल कभी फैलेगा नहीं, ठीक है। ये जो है मेरा काजल अब सेट हो गया, तो आंखों का काम जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा मस्कारा के साथ। इस लुक में कियारा ने कोई भी फॉल्स आईलैशेस यूज नहीं किए थे, तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से मेबेलिन का जो मस्कारा है, नीचे लिंक होगा, उसके साथ अपनी आंखों को बहुत अच्छे से, यू नो, मस्कारा जो है बहुत अच्छे से करूंगी क्योंकि हम लैशेस नहीं लगा रहे। ओके गाइस, अब जो है मस्कारा कर लिया है मैंने। अच्छा, रह क्या क्या था, नोज की कंटूरिंग रह गई थी। वैसे तो जरूरत नहीं है मुझे बहुत ज्यादा कंटूर करने की, और इस लुक में कंटूरिंग है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपने नोज को कंटूर करूंगी क्योंकि मेरी नोज दे डजंट लुक रियली गुड। तो मैं कफ्स एंड लैशेस का ये जो बहुत ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नेचुरल एक शेड है मेरे पास, वो यहाँ पे ब्रश के सहारे मैं हल्का सा बस कंटूर कर लूंगी, बहुत ही लाइट, बहुत बहुत लाइट, ये बस इतना करूंगी, दैट्स इट। ओके गाइस, अब जो ब्लश है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा ओवर करना पसंद नहीं है, मुझे ब्लश के साथ ओवरबोर्ड जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास एक मार्स का पैलेट है, मैं पैलेट आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत पुराना है, तब ना मार्स को लेकर इतनी बातचीतें नहीं होती थी आज के डेट की तरह, तो मैं काफी कंफ्यूज थी। लेकिन ये ब्लश जो मेरे पास पैलेट है, मुझे जरूर मिलेगा ना, तो मैं नीचे डालूंगी। अदरवाइज आप प्लीज मार्स का कोई भी ब्लश एक बार ट्राई करके देखना, उनके पास बहुत अमेजिंग कलर्स होते हैं। मेरा पैलेट खराब हो चुका है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट दिस इज द परफेक्ट ब्लश का सेट। यहाँ पे चार कलर्स थे मेरे पास एंड दे आर परफेक्ट फॉर डस्की इंडियन स्किन टोन। मैं यहाँ से, वैसे तो हमने थोड़ा सा क्रीम ब्लश किया था, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा सा इसके ऊपर कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक ब्रश ले रही हूँ और बहुत ही पिंकिश सा, दिख नहीं रहा है, बहुत ही नेचुरल न्यूड कलर है, उसके सारे मैं बहुत नेचुरल ब्लश करूंगी, बहुत ही ज्यादा नेचुरल, ठीक है। देखा आपने, बहुत प्यारा सा कलर है ये, बहुत ही प्यारा कलर है। लुक जो है ना बहुत ही ज्यादा सटल और वैसे टाइप का लुक है। ओके, सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए कियारा ने बिल्कुल पिंकिश, एक रेडिश पिंकिश वाला टोन लिया था। अब देखिए गाइस, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी से इंस्पायर्ड लुक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कॉपी पेस्ट कर दे, डजंट मैटर वो हमारे स्किन पे सूट करता है कि नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कलर है ये मेरे स्किन पे बहुत ज्यादा सूट करेगा, साथ ही साथ जो है लुक के साथ, जो जिस लुक से हम इंस्पायर्ड है उसके साथ भी जाएगा, उसके उसको भी कहीं से यू नो मैटिफाई नहीं करेगा, यू नो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ और ही कर दिया, साथ ही साथ हमारे स्किन पे भी सूट होगा। तो मेरे पास ये लिप बॉम का बहुत ही अमेजिंग, एक्चुअली ये बॉनजोर पेरिस का है गाइस, अगर आपने इस ब्रांड का कुछ भी ट्राई नहीं किया है तो अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं डाल दूंगी। मेरे पास इसका ग्रीन कलर का एक काजल भी है, मैं एक किसी वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और बहुत ही अमेजिंग इसका कलर मेरे स्किन के साथ जाता है। तो हम जो है इसके साथ आज करेंगे अपना लिप लाइन, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। ओके, सो लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का एक बहुत अमेजिंग लिप कलर मेरे पास 66 टू शो टच ऑफ स्पाइस। एंड हाँ, ये रेंज आपने ये तो देखा ही होगा, पैकेजिंग बहुत ही फेमस है, और मैं ना इसकी हालत थोड़ी सी खराब है, लेकिन बहुत अमेजिंग इसकी जो इसका जो कलर पे ऑफ है बहुत अमेजिंग है, तो मैं लिप ब्रश के सहारे से लगा लूंगी। बहुत अमेजिंग कलर है, मेरी स्किन पर बहुत ज्यादा सूट करता है। तो मेरे पास बिंदी तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास एक जो भी आपके पास रेड कलर का लिपस्टिक हो ना, उससे मैं यहाँ पे ब्रश पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है और
बालों को मैं थोड़ा सा एक दो स्ट्रैंड्स जो है उसे टोंग कर लूँगी। मेरे पास टोंग मशीन है, आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो या नेचुरल भी छोड़ सकते हो। और गाइज ये बहुत ही एक खूबसूरत सा आपको इफेक्ट देगा, बहुत ही नेचुरल एक कर्ल सा आपको लगेगा कि आपके बालों में है। और ये लुक जो है क्रिएट हो चुका है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। ये वीडियो यही ख़त्म करूँगी। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लग रहे तो प्लीज़ बताइए, मैं और भी ज़्यादा क्रिएट करूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।